हेलो दोस्तों, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक भर्ती लेके हूँ। इसमें देखिए दोस्तों, जोधपुर नगर निगम भर्ती 2022 का नोटिस जारी कर दिया है। इसके तहत जोधपुर जिले के 6 नगरीय निकायों नगर निगम जोधपुर उत्तर, नगर निगम जोधपुर दक्षिण, नगर पालिका फलौदी, पीपार सिटी, भोपालगढ़, भिलाड़ा जिला जोधपुर में संविधा के आधार पर भर्ती की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा की गई भर्ती 2022-23 के घोषणा पत्र में के अंतर्गत लागू इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत भर्ती की जाएगी। इसके लिए योग्य इच्छुक अभ्यर्थी ऑफलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। जोधपुर नगर निगम भर्ती 2022 के लिए आवेदन 14 जुलाई से 25 जुलाई 2022 को 5 बजे तक कर सकते हैं आवेदन। इसमें देखिए एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से 40 साल के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। आयु की गणना 1 जून 2022 को आधार मानकर की जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आयु में कुछ छूट दी गई है। इसमें देखिए एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस फ्री है, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें अलग अलग पदों पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग रखी है। गणित तकनीक सहायक डिग्री में सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री मांगी गई है। गणित तकनीक सहायक डिप्लोमा में सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा मांगा गया है। लेखा सहायक में बीकॉम मांगा गया है। एमएस मैनेजर बीसीए मांगा गया है। शहरी रोजगार सहायक में स्नातक पर आईसीटी कोर्स मांगा गया है। मशीन विथ मेन में सीनियर सेकेंडरी प्लस आईसीटी कोर्स मांगा गया है। मल्टीटास्क वर्कर्स प्लस होमगार्ड में सेकेंडरी प्लस कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज मांगा गया है। और सैलरी की बात करें तो अलग अलग पदों पर अलग अलग सैलरी है। कनिष्ठ तकनीक सहायक में 20,000, कनिष्ठ तकनीक सहायक डिप्लोमा में 20,000, लेखा सहायक में 12,000, एमएस मैनेजर 12,000, शहरी रोजगार सहायक में 7,500, मशीन विथ मेन में 8,200, मल्टीटास्क वर्कर्स में होमगार्ड में 7,000 रुपये। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब लाइक जरूर कर ले। दोस्तों थैंक यू।